हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलीमर्स। तो सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं और वो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हैं। तो आपने देखा हो तो हमारी जो प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं ये पॉलीमर्स से ही मिलकर बनी होती हैं। इसी तरह से कई प्रकार के बच्चों के खिलौने और व्हीकल्स जो होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो भी पॉलीमर्स से बने होते हैं। इसके अलावा जो रोप्स होती हैं वो भी पॉलीमर्स से बनी होती हैं, तथा घरों में लगने वाले इलेक्ट्रिकल वायर्स और सॉकेट्स भी पॉलीमर्स से बने होते हैं। और हमारे जो किचन के कप्स और सॉसर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलीमर्स से बने होते हैं। जो पॉलीमर शब्द है यह है पॉली और मर, इन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है और ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं, जहां पर पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे, और मर का मतलब होता है कोई भी यूनिट या फिर पार्ट्स। दैट मीन्स जो हमारा पॉलीमर होता है वो काफ़ी सारी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिन्हें हम रिपीटिंग यूनिट्स भी कहते हैं। इसका मतलब पॉलीमर का मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि वह काफ़ी सारी यूनिट्स या फिर पार्ट्स से मिलके बना होता है। इसीलिए हम पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास 10^3 से 10^7 AMU तक होता है। अब देख भी सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इनका मास भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि पॉलीमर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि छोटी छोटी सी यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक पॉलीमर का बड़ा मॉलिक्यूल बना रही हैं। तो यहाँ पर एक पॉलीमर का मॉलिक्यूल दिखाया गया है जो कि रिपीटिंग यूनिट से बना है, या फिर ये कहें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये डराइव हुआ है छोटे छोटे सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स से, जिनको हम यूनिट्स बोल रहे हैं। और ये जो सिंपल और रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम मोनोमर्स भी बोलते हैं। और ये जो मोनोमर्स जब मिलकर के कंबाइन होते हैं और पॉलीमर का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पॉलीमर और इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने जो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है वो दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स फर्स्ट एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स सेकंड। तो CV1 देखते हैं जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन काफी चीजों को बेस मान के किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स के आधार पर भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि उनका एक्चुअल सोर्स क्या है। उसी तरह से पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को बेस मानकर भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि मोनोमर्स किस तरह से कंबाइन होकर पॉलीमर का एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। उसी तरह से जो हमारा पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट हैं उस आधार पर भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे हम ग्रोथ ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर भी पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स के आधार पर पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई किया है हमने। तो सोर्स के आधार पर सबसे पहला पॉलीमर होता है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर हम उन पॉलीमर्स को बोलते हैं जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन्स एंड सेल्यूलोज एटसेट्रा। प्रोटीन्स एंड सेलुलोज हमें एनिमल्स और प्लांट्स में आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए हम इनको नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। सोर्स के आधार पर दूसरे तरह के पॉलीमर्स होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम नेचुरल पॉलीमर्स की हेल्प से ही डिराइव करते हैं। ये पॉलीमर्स हमें डायरेक्टली नेचर से प्राप्त नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलुलोज एसीटेट, जिसको हम रेयन भी बोलते हैं,
और सेलुलोज नाइट्रेट एटसेट्रा, ये दोनों ही हम सेलुलोज से ड्राइव करते हैं, सेलुलोज जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। तीसरे टाइप के पॉलीमर्स होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जो कि हमें ना तो नेचर से मिलते हैं और ना ही हम इनको नेचुरल पॉलीमर्स से डराइव करते हैं, ये पूरी तरह से मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, जिसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं, और बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स, फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 66 जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, एंड सिंथेटिक रबर्स, फॉर एग्जाम्पल ब्यूना एस, उसको भी हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज में और हमारी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज आने वाले पॉलीमर्स हैं। अब हम पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर्स के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पॉलीमर्स की स्ट्रक्चर्स के आधार पर पॉलीमर्स का पहला टाइप है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर्स हम उन पॉलीमर्स को बोलते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीएथीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरी तरह के पॉलीमर्स हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। इन पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स चेन्स की फॉर्म में तो प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन उन चेन्स में ब्रांचेज होती हैं, इसीलिए इन पॉलीमर्स को ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीएथीन। तीसरे तरह के पॉलीमर्स हैं क्रॉस लिंक्ड या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स। इन पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स में जो लॉन्ग चेन्स होती हैं वे एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधी होती हैं। इन पॉलीमर्स के मॉलिक्यूल्स की लॉन्ग चेन्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, जिसका उपयोग हम कुछ समय पहले जो हमारे घरों में लैंडलाइन टेलीफोन्स आते थे उनको बनाने में और इलेक्ट्रिसिटी के प्लग्स बनाने में भी किया जाता है।